अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है यूके का वीज़ा। यूके का वीज़ा जो है वो कैसे आप ले सकते हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं। ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरी देखेंगे तो आपको समझ चलेगा, पता चलेगा कि आपने यूके का वीज़ा कैसे हासिल करना है और कितना ईजी वे है, इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि हम दोस्त कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि उसको बड़ा मुश्किल बना देते हैं, कहते हैं कि जी हमें वीज़ा नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वीज़ा आप भी ले सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं जो आपको बनाने चाहिए, उसके बाद आपको वीज़ा जो है ना वो मिल जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, तरीका अगर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। जब आपने फाइल बनानी है, जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, आपके पास तमाम डिटेल होनी चाहिए कि आपकी रिफ्यूज़ल है कोई, आपका कोई वीज़ा लगा हुआ है, ट्रैवल हिस्ट्री है, पेरेंट्स की डिटेल है आपके पास, आप शादीशुदा हैं, MRC है, FRC है, ये सारी चीज़ें डिटेल वगैरह आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट जो है वो बड़ी अहम रोल अदा करती है इसमें। किसी भी कंट्री का आपने वीज़ा लेना है तो बैंक स्टेटमेंट एक आपकी जो बिज़नेस शो करती है कि आपका बिज़नेस है, आपका एक बड़ा अहम रोल है उसमें, वो अदा करता है। तो मैं तमाम दोस्तों को सबसे पहले ये बताऊँगा कि आप दूसरे डॉक्यूमेंट की नस्बत आप बैंक स्टेटमेंट पर फोकस करें। आप बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी अच्छी से अच्छी हो, उसके बाद आपके पास जो मेन जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चैम्बर के डॉक्यूमेंट हैं। चैम्बर के डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप किसी भी बिजनेसमैन अदारा जो है, जो बिजनेस कर रहा है उससे रिलेटेड आप अदारे के साथ मुंसलिक हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा काउंट करता है कि ये किसी भी एम्बेसी में अगर आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी ये बंदा बिजनेसमैन ही है। क्योंकि ये जब आपने डॉक्यूमेंट बनवाने हैं तो आपके पास N10 की कॉपी भी होनी चाहिए और टैक्स रिटर्न भी होनी चाहिए। टैक्स रिटर्न बहुत काउंट करती है, किसी भी मुल्क में आपने टैक्स देना है या दे रहे हैं आप टैक्स, तो ये बड़ा काउंट करता है, इस चीज़ का मैटर करता है कि आप अपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। और जितने भी फॉरेन कंट्री हैं वो आपको पता है कि अगर किसी बंदे की 1000 रुपया, 1000 यूरो या 1000 पाउंड सैलरी है तो 30-25% तो टैक्स ले लेते हैं उसमें से। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं कि आप टैक्स पे करें। दूसरे डॉक्यूमेंट जो आपके पास ज़रूरी होने चाहिए वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म आपने भरना है, उसके बाद लेनी है आपने अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं वो आपने कैसे करने हैं, सबसे पहले आपके पास जो अपॉइंटमेंट लेनी है उसका फॉर्म होना चाहिए। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जो है वो बड़ा मैटर करता है, और ट्रैवल प्लान ये आपने देना है यूके को कि जी मैंने इतने दिन मैनचेस्टर में रहना है, इतने दिन मैंने बर्मिंगम में रहना है, इतने दिन मैं ब्रैडफोर्ड में रहना है, इतने दिन मैंने यूके में रहना है, लंदन में रहना है, जो भी चीज़ जैसा भी आपने प्लान देना है उसी प्लान के मुताबिक ही आपने होटल भी करने हैं। आपने ये नहीं करना कि आपने मैनचेस्टर का होटल फ्लाइट ली हुई है और मैनचेस्टर में आपका होटल बुक नहीं है, आपने लंदन का किया हुआ है या किसी और जगह किया। आप कोशिश करें कि जब भी आपने ट्रैवल प्लान देना है, अगर 3 दिन का मैनचेस्टर का देना है, 3 दिन का लंदन का देना है और 3 दिन बर्मिंगम का देना है, तो वो ये तीनों कंट्रीज, तीनों सिटीज में आपका होटल बुक होना चाहिए। तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं होटल के मामले में। और दूसरा ये है कि आपने जब भी टिकट करवानी है कोशिश करें कि टिकट उसी प्लान के मुताबिक ही करें, क्योंकि अगर जब हमें ट्रैवल करना है तो इमिग्रेशन वाले आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने ट्रैवल किया, कितने दिन रहना है आपने, क्या होटल बुकिंग है, ये चीज़ें भी आपने साथ लेके जानी है। मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ आपको कि जब मैं यूके गया था मुझे 3-4 सवाल पूछे थे उन्होंने कि जी आप यूके आए हैं तो आपका जो है यूके का कितने दिन का टूर है। तो मैंने कही मेरा 10 दिन का टूर है यूके का, नेक्स्ट फ्लाइट का आपकी कब की है, मैंने डेट बता दी उनको। कोशिश करना है कि आपने कोई सवाल छोड़ना नहीं है, जो वो पूछे आपने उसका आंसर देना है। उन्होंने पूछा जी आप हॉलीडेज के लिए आए हैं, मैंने कहा जी अलहमदिल्ला मैं हॉलीडेज के लिए आया हूँ और मैंने इतने दिनों के बाद चले जाना। उन्होंने कहाँ जाना है आपने, मैंने कहा जी मैंने हॉलैंड जाना है, इसके बाद टिकट है आपके पास, मेरे कहा बिल्कुल है। शो मनी मुझे नहीं पूछी थी उन्होंने, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन लोगों के यही होते हैं कि शो मनी पूछते हैं कि नहीं पूछते। मुझसे तो वैसे उन्होंने कोई शो मनी वगैरह के नहीं पूछा था कि शो मनी आपके पास कितनी है कितनी नहीं है, वो कोई चीज़ नहीं पूछी थी। हाँ बता, होटल बुकिंग पूछी थी मुझसे और टिकट पूछी थी कि आगे की कहाँ की है। तो आप ही अपना जहन तैयार करें और एजेंटों से बचें। जो एजेंट आपसे 40-50 लाख रुपये डन बेस पर लेते हैं उनसे आप बचें, उनके जो चांसों में मत आए। कोशिश करें कि अपनी फाइल खुद तैयार करें, जितने में आपने अपनी फाइल तैयार करनी है उतने पैसे समझ लें कि आप अगर नारायणगंज जाएं, मरी जाएं तो उतने पैसे उधर लग जाते हैं।
मगर आप कोशिश करें कि 50-50 लाख या 30-30 लाख देके या डंकी के काम में भी ना पड़े। ये भी मैं आपको सबसे दोस्तों को बताऊंगा कि डंकी के कामों में मत पड़े, डंकी एक इलीगल काम है, आपकी जान को भी खतरा है। ये मैं बारहा हर वीडियो में भी बता चुका हूँ कि डंकी जो है ना वो आपने नहीं लगानी, कोशिश करनी है लीगल तरीके से जाएं, लीगल डॉक्यूमेंट बनवा के जाएं। अगर मजीद फर्दर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा इंस्टाग्राम भी बना हुआ है, उस पर भी आप आ सकते हैं। ट्रैवल विद वासली के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है और फेसबुक चैनल भी मेरा है, जो जिधर भी आके कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दूं ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। थैंक यू।